गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में देखते हैं मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 2 हम देखते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट 2 में हमें देखो 3 क्वेश्चन में हमें गिवन था कि इफ़ द क्वेश्चन ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय -9। क्वेश्चन हमें जो है वो इंटीजर से एक डिवाइड किया गया था, तो -9 है क्वेश्चन, हमें गिवन है -8। फाइंड द इंटीजर, इंटीजर आपको फाइंड करना है। तो लेट कर लिया मैंने इस इंटीजर को एक्स, तो आप लिख लोगे क्वेश्चन्ट इज इक्वल टू इंटीजर और डिवाइड किससे किया गया था, -9। तो आप लिख लोगे क्वेश्चन्ट है -8, इंटीजर को आपने एक्स लेट कर लिया, माइनस का 9, तो ये जो है वो -8, ये 9 जो है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई, और ये एक्स यहीं रह जाएगा। तो माइनस 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 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से प्लस, 89 जो 72, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया 72। तो आप लिख लोगे इंटीजर इज इक्वल टू 72, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर नंबर पार्ट में आपको क्या कहा हुआ है। द शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट 1 रुपीज़ 1 ऑन सेलिंग 1 पेन, ठीक है ना। ये हमें कहा हुआ है कि शॉपकीपर जो है वो 1 रुपीज़ का प्रॉफिट करता है ऑन सेलिंग 1 पेन, और सफ़र अ लॉस ऑफ 30 पैसे ऑन सेलिंग 1 पेन से। देखो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 पेन, 1 पेन को सेल करने पर इसे प्रॉफिट कितना होता है ₹1 का, और लॉस ऑन सेलिंग 1 पेंसिल, 1 पेंसिल पैसे कितने का प्रॉफिट होता, कितने का लॉस होता है 30 पैसे का, ठीक है ना। ये हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें फाइंड करना है कि इन अ पर्टिकुलर मंथ ही इनक्रेड ए लॉस ऑफ ₹5, एक मंथ में जो उसका लॉस हुआ कितने का, 5 रुपीज़ का लॉस हुआ। इन दैट मंथ ही सोल्ड 40 पेन, इस मंथ में जो मैंने 40 पेन सेल किए थे, तो हाउ मैनी पेंसिल डिड ही सेल इन द पीरियड, तो उसने कितनी पेंसिल जो है वो इस मंथ में जो है वो सेल करी, ठीक है ना। हमें ये बताना है कि कितनी पेंसिल उसने जो है इस मंथ में सेल करी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, देखो स्टूडेंट कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो कहा हुआ है क्वेश्चन में हम लेट कर लेते हैं कि लेट पेंसिल सेल, पेंसिल की सेल करी उसने एक्स, हमने लेट कर लिया कि पेंसिल की सेल करी एक्स, तो हम लिख लेंगे 40 पेंस, उसने 40 पेन सेल करे थे, माइनस एक्स पेंसिल सेल करी थी, इज इक्वल टू उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा था, कितने का लॉस हो रहा था, -5। तो लॉस है तो ये माइनस लगाएगा इसका, क्योंकि लॉस है ना, तो लॉस माइनस में होगा, ठीक है ना। तो 40 पेन, पेन कितने की, पेन की कीमत कितने की थी, पेन पे कितने का प्रॉफिट था 1 का, तो 1 से मल्टीप्लाई, एक्स पेंसिल पे कितने का प्रॉफिट था 30 का, तो 0.30 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 30 पैसे हैं तो इसलिए 0.30, अगर 30 रुपीज़ होता तो 30 से मल्टीप्लाई करते, तो ये आ गया 40 - 0.30 एक्स इज इक्वल टू -5। तो आप इसे क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, माइनस का 40 और माइनस का 0.30 एक्स इज इक्वल टू -40 है, तो माइनस का 0.30 एक्स इज इक्वल टू -5, ये 40 दूसरी साइड जाके माइनस, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस का 45, माइनस का 0.30 एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -45 डिवाइडेड बाई माइनस का 0.30, नेगेटिव से नेगेटिव कट, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 45 डिवाइड बाई 30, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 और 2, तो इसका 100 ऊपर, 0 से 0 कट, 3 1 जा 3, 3 15 जाए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया 150। यानी हमने पेंसिल कितनी सोल्ड करी थी, पेंसिल सोल्ड इज इक्वल टू 150, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ओके स्टूडेंट। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर हमें लॉस हो रहा था ना, तो इस वजह से हमने माइनस लिया, 40 पेन सेल करे थे तो 40 मल्टीप्लाई पेन, एक्स पेंसिल सेल करी थी, एक्स लेट कर लिया था हमने, एक्स मल्टीप्लाई पेंसिल, पेंसिल पे कितने का प्रॉफिट था, कितने का लॉस था 30, तो 30 हमें, पेन पे कितने का लॉस था, पेन पे कितने का प्रॉफिट था, तो 1, तो फिर 1 से मल्टीप्लाई, और इसको सोल्व कर दो, ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर आपको जो है वो गिवन है, 6 नंबर क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। राजन हैड 6000 इन हिज बैंक अकाउंट ऑन अ पर्टिकुलर डे अ वीक लेटर
अ वीक लेटर राजन हैड 6,000 इन हिज बैंक अकाउंट ऑन अ पर्टिकुलर डे. अ वीक लेटर ही डिपॉजिट 1,500 एंड नेक्स्ट डे ही हैड टू विदड्रावल 1/3 ऑफ हिज टोटल अमाउंट. फाइंड द बैलेंस अमाउंट इन द बैंक आफ्टर विदड्रावल. ठीक है ना, तो ये हमने फाइंड करना है. तो लेट आपको हमने लेट कर लिया, देखो क्वेश्चन में 6 नंबर में लेट बैलेंस अमाउंट इन द बैंक आफ्टर विदड्रावल. हमने लेट कर लिया कि आफ्टर विदड्रावल के बाद कितना बैलेंस बैंक में है एक्स. ठीक है ना, तो राजन हैड अमाउंट, राजन के पास कितना अमाउंट था बैंक में, राजन के पास जो अमाउंट था वो कितना था 6,000. ठीक है ना, तो राजन ने डिपॉजिट कितना किया था अमाउंट, राजन ने डिपॉजिट किया था कितना 1,500. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया था 7,500. टोटल अमाउंट जो हो गया वो कितना हो गया 7,500. तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राजन ने जो है वो कितना अमाउंट विड्रावल कर लिया है 1,500 में से 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट का, यानी 1,500 में से लेस कर दो 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट कितनी है 7,500. तो ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल, जो हमारा बैलेंस आफ्टर विड्रावल बच गया है. ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा 7,500, 3 से ऐसे कट करो 2,500 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि टोटल अमाउंट में से जितना उसने विड्रावल करा इतने पैसे उसने निकाल लिए, तो लेस कर दो उसमें से 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट. ठीक है ना, और ये हमारा विड्रावल करने के बाद अमाउंट बच जाएगा. तो हमारा एक्स कितना बच जाएगा 7,500 में से 2,500 लेस कर दो 5,000. तो आप लिख लोगे, यही बस आपने फाइंड करना था, तो आप लिख लोगे बैलेंस अमाउंट इन द बैंक आफ्टर विदड्रावल, ये विदड्रावल करने के बाद उसके पास कितना बैलेंस रह गया 5,000 रुपीज़. यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन. 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है बेटा. 7 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा हुआ है, कहा हुआ है कि बाय व्हाट अमाउंट नंबर शुड -24 इज डिवाइडेड टू ऑब्टेन माइनस का 8. तो ये हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो लेट कर लेते हैं. लेट अ नंबर एक्स, कि हम एक्स से इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा था कि 24 को किससे डिवाइड किया जाए कि -18 आ जाए. तो हम लेट कर लेते हैं कि 24 को -24 को हमने डिवाइड करा एक्स से और हमें मिल जाएगा -18. तो आंसर आ जाएगा माइनस का 24, ये एक्स उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 × x. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -24 डिवाइडेड बाय -18, माइनस माइनस का 18, ये 9 टू के टेबल 162. तो 162 बाय 9 इज इक्वल टू एक्स. तो ये आ जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो 54/3, तो x की वैल्यू 18. तो आप लिख लोगे नंबर इज इक्वल टू 18, यही आपके क्वेश्चन का आंसर. ठीक है स्टूडेंट, तो यही जो हमने फाइंड करना था. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक और. राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर व्हिच सम इज -9. आपको पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है जिनका सम क्या होगा -9 होगा. तो -9 वाले देखो बहुत सारे पेयर ऐसे हैं जिनका सम जो होगा क्या होगा -9 होगा. फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि सम इज -9, सम इज -9. तो ऐसे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं, देखो -3, -6, इनका आप सम करोगे तो -9, -2 और 7. देखो टू और सेवन क्या होते हैं 9, आप देख सकते हो. देखो सिंपल 2 और 7 क्या होते हैं 9, तो आप इनके आगे दोनों के आगे माइनस लगा दो -9. ठीक है ना, आप लिखो 3 और 6 क्या होते हैं 9, तो आप -3 के आगे भी माइनस लगा दो और 6 के आगे माइनस लगा दो, तो -9 आ जाएगा.
यही आपके आंसर है, एक ही लिखना था लेकिन मैंने आपको टू बता दिए, वन आउट। नेक्स्ट में सेकंड पार्ट में आपको क्या कहा हुआ, डिफरेंस इज माइनस सेवन, डिफरेंस जो होगा माइनस का सेवन होगा। तो देखो टू में से नाइन को लेस करते हैं तो क्या आता है सेवन, तो ये माइनस का सेवन, ठीक है। जैसे देखो नाइन में से सपोज करो आपको सेवन लाना है तो इलेवन में से टू को माइनस करोगे तो क्या आएगा, इलेवन में से फोर को माइनस करोगे सेवन, लेकिन आपने क्या करना है बड़ी वैल्यू को बाद में लिखना है, फोर माइनस इलेवन माइनस सेवन, तो यानी आप क्या लिख लोगे, ऐसे दो पेयर के हो जाएंगे जिनको डिफरेंस करने पे, तो आप लिख लो फोर कोमा सेवन और टू कोमा नाइन, इनको डिफरेंस करने पे आपको क्या मिलेगा माइनस का सेवन, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है ना। तो आपने नोट करना है वीडियो को पॉज करके, और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। ओके, गुड बाय।